रेस्ट ऑफ सोप बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल ये दो प्रोटोकॉल्स, क्योंकि अभी तक जितनी बात हो रही थी इसको आप यूज कर सकते हैं, मैंने कहा था इन हाउस में अपने, अब अपने जो अपने नेटवर्क्स है वहां पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जोनिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मास्किंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो चीजें जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्योरली जो प्रोटोकॉल्स हैं ये क्लाउड इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किए गए, क्लाउड इंडस्ट्री आज इसको यूज कर रही है, ठीक है। अगर वो सैन यूज कर रही है या नेस डिवाइस यूज कर रही है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री में जो वहां पर स्टोरेज यूज की जा रही है वो ज्यादातर नेस यूज की जाती है, सैन कम यूज की जाती है। सैन इसलिए कम यूज की जाती है क्योंकि सैन को उन्होंने खास तौर पर डिजाइन किया गया हुआ है वहां पे सर्वर्स के लिए, सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए, लेकिन जहां पे अनलिमिटेड स्टोरेज असाइन करनी है, अनलिमिटेड, ठीक है, तो उसके लिए वो नेस की प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसका बस ये, ठीक है। अब नेस इंडस्ट्री में ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट वो यूज करते हैं, नेस को यूज करें या सैन को यूज करें, उसमें दो प्रोटोकॉल्स को ज्यादा यूज करते हैं, एक रेस्ट है और एक सोप है, ठीक है। रेस्ट क्या है, रेस्ट जो है जो बेसिकली इसको जो इन्होंने डिजाइन किया है, इन्होंने इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं। रेस्ट में जो है ऑथेंटिकेशन एचटीएमएल के थ्रू, ठीक है, इसके बाद एसएसएल भी है इसमें, इसके बाद एक्सएमएल है, इसके बाद जेएसएन है, और इसके बाद यह, ठीक है, ये रेस्ट प्रोटोकॉल्स। आगे अगर आपकी एचटीएमएल 5 पे जिस तरह आप लोग यूज कर रहे हैं ईएसएसआई सर्वर्स, ईएसएसआई सर्वर्स को अगर आपने ओपन करना हो तो किस पे ओपन करते हैं, एचटीएमएल 5 पे, वेब ब्राउजर पे ओपन करते हैं ना, हम तो वीस पर क्लाइंट यूज नहीं होता, बीस पर क्लाइंट तो 5.5 तो ऑफसेट हो चुका है, ठीक है। वैसे अगर कोई पुराना बड़ा वर्जन तो तभी हम यूज कर ही लेते हैं, लेकिन प्रॉपर उसकी यूजिंग के लिए वेब ब्राउजर ही यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए कहते हैं कि आप वेब ब्राउजर पर जा रहे हैं, इट मीन्स के आप एचटीएमएल या एचटीएमएल 5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप एसएसएल, अब एसएसएल कहां पर यूज हो रहा है, जहां भी आपका सर्टिफिकेट यूज हो, ठीक है। अगर एक्सएमएल, एक्सएमएल क्या है, अगर आपकी बेसिक जितने भी जो कोडिंग वगैरह जितने भी एप्लीकेशन की उसमें भी ये सिंटैक्स यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसन क्या है, जैसन भी सारा के सारा जो है बेसिकली स्टोरेज के लिए हम इसको यूज करते हैं खासतौर पर, ठीक है। जैसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो, ठीक है, और यैमल, यैमल और जैसन ये दोनों बहन भी कह रहे तो वो ठीक है, ठीक है, कि मतलब कि एक ही फैमिली है दोनों, ठीक है। अब इसमें जी कुछ क्वेश्चन होंगे, यैमल मॉड्यूल नहीं आ रहा कुछ ऐसा, यहाँ मॉड्यूल लैंग्वेज इस तरह है, तो इसमें यह है कि ये जो 5 सिंटैक्स यूज किए जाते हैं बेसिकली रेस्ट के अंदर, अगर आप रेस्ट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, बेसिकली इन प्रोटोकॉल्स को यूज करने का इनका मकसद क्या है कि जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो आपकी कस्टम एपीआई है, एपीआई का आइडिया है ना, ठीक है ना, एपीआई है, उसके लिए खास तौर पे वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल जो है आप नॉर्मल प्रोटोकॉल मतलब सीआईएफएस या एसएमबी इनके जाने के बजाय आप रेस्ट प्रोटोकॉल यूज करें, इस पे आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर साइड, नेटवर्क साइड और सिस्टम साइड तो वैसे ही वो लोग मर्ज कर चुके हैं, ठीक है, और आने वाले वक्तों में ज्यादा मर्ज हो जाएगी, ठीक है। और स्टोरेज जिस तरह हम यूज करते हैं उसमें जैसन ज्यादा यूज होता है, ठीक है। स्टोरेज के ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन अगर आपने देनी है थ्रू जैसन बेस, थ्रू ग्राफिकल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जितने भी सिंटैक्स है इसके ऊपर बात नहीं हो रही, जीयूआईबेस, क्योंकि हम जो चीजें पहले डिस्कस कर रहे थे वो सारी जीयूआईबेस, उसको भी आप कमांड लाइन में जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। अब इस पे रेस्ट को यूज करते हुए जो है, अगर आप थ्रू सारी कोडिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, तो रेस्ट जो है थ्रू कोडिंग का हिस्सा रहेगा। जैसन पे क्या है, जैसन पे स्क्रिप्ट बना रहे, ठीक है, स्क्रिप्ट किस समय बनेगा आप सुनते जाए, स्क्रिप्ट अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक 10 एलजीएन है या मैंने एलजीएन क्रिएट कर दी है और मैंने अपने 50 होस्ट को उस एक्सेस देनी है उन 50 एलजीएन की, ठीक है, तो ये काम अगर आपने वन बाय वन जाना, वन बाय वन होस्ट पर बैठ के करें काम आप करें तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो थ्रू जैसन के आप ये काम करें, जिसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, रेस्ट, जैसन के काम करेंगे तो हार्डली ये काम आपका 10 मिनट लगेगा। फर्स्ट टाइम आपको स्क्रिप्ट में थोड़ी सी एडिटिंग करने चाहिए टाइम लगेगा,
लेकिन 50 हॉस्पिटल डिप्लॉयमेंट करते हैं एक ही जगह से आप बैठ कर उसको पुश करेंगे थ्रू बैच सर्विस तो सब पेड़ डुबा देते हैं। समझे इस चीज दोनों साइड स्टोरेज और सर्वर दोनों साइड में सपोर्टेड होती है सपोर्टेड है दोनों साइड होती है क्योंकि बेसिकली ये जो आपकी फायर लाइन है ये इसमें रश नहीं होगा ठीक है। और ऊपर कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं ऊपर आपके सारे का सारा फॉर्मेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्मेट है ठीक है। अब जितनी भी एपीएस कस्टम एपीए की बात की जाए वो सब इसी पे यूज होती है रेस्ट एपीए जिसको बोलते हैं ठीक है जिसको एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हम बोलते हैं जो एक एप्लीकेशन है उसको कंपनी खुद से कस्टमाइज करती है उसको खुद से यूज करना चाहती है ठीक है। और उसको अगर आप सैन पर रखते हैं ठीक है तो सैन से अगर उसको ऑथेंटिकेशन अगर अपने जितने भी आगे क्लाइंट्स को ये देना चाहते हैं तो थ्रू रेस्ट सब देते हैं ये एक्सप्लेन करने से पहले मैंने कहा था कि ये इसको इन हाउस आप यूज करना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए जरूरत भी होती है मुश्किल वैसे काम मुश्किल ये काम में देखें अब आप इसको या तो आपने खुद कोई क्लाउड सॉल्यूशन इन हाउस इंप्लीमेंट करना तो फिर तो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वीएमवेयर के अंदर अब एपीआई फुली सपोर्टेड है वीएमवेयर में एपीआई के फुली सपोर्टेड बाहर अगर एपीएस की अगर बात की जाए ठीक है आप ये कहते हैं कि आपके अगर मैं बात करूं अगर आप एट होस्ट यूज कर रहे हैं ठीक है एट होस्ट पे आप कहते हैं कि सर हम इसको यूज क्यों करें रेस्ट ठीक है। अब मैं उसको एक चीज को क्लियर करूंगा रेस्ट आप क्यों यूज करना चाहते हैं कि अगर तो एट होस्ट से ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है तो फिर तो ठीक है छोटे स्ट्रक्चर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको कोई खास बेनिफिट नहीं देगी छोटे स्ट्रक्चर में बेनिफिट उस सेंस में आपकी जरूर हो सकती है कि आपका बहुत ज्यादा काम अगर सॉफ्टवेयर बेस है सॉफ्टवेयर बेस ये काम है कि अगर आप अपने जो एक नॉर्मल लेवल यूज कर रहे हैं स्टोरेज का सर्वर्स का उसको आप कहते हैं कि सर इसको हम जैसन में शिफ्ट करना चाहते हैं ठीक है सॉफ्टवेयर के ठीक है एक नॉर्मल क्लिक क्लिक से अब हटके अब सारा थ्रू काम आप किस पे चले जाएंगे या तो आप पाइथन पे चले जाएंगे ठीक है या तो आप इसमें चले जाएंगे जैसे पे चले जाएंगे ठीक है। अब पाइथन पे वही अगर सर्वर मतलब आप अपना जो वर्क है वो जो बर्डन वर्क है वो कम कर देंगे इसको ऊपर जाने के बाद जो आपको लेकिन मैंने कहा कि इन हाउस में इस तरह का टास्क आपको कम ही मिलेगा क्योंकि 8 होस्ट है कितना आप काम कर रहे हैं डेली क्या कोई रोज को आपको ये कहा जाता है कि 10 सर्वर डिप्लॉय करें बहुत सोचे ना अगर कहा जाए तो हाँ फिर ये क्योंकि एक लार्ज स्केल में अगर आपकी ब्रांचेज हैं पूरे कंट्री में आपकी ब्रांचेज फैली हुई हैं आप कहते हैं यार सारा दिन उस सर्वर पे होस्ट असाइन करो किसी सर्वर पे स्टोरेज असाइन करो किसी को नैस दो ये तो अजीब और गरीब काम आप उनके लिए क्या करते हैं एक पूरा जैसन के अंदर जावा के अंदर पूरा एक टेम्पलेट बना के अपने पास रख लिया ठीक है। आप कहते हैं मेरी इस्लामाबाद की ब्रांच है अगर वहां पे मैंने किसी को किसी एजुएन की एक्सेस देनी है किसी फर्दर नैस की एक्सेस देनी है ठीक है तो ये मैंने कोड बनाया हुआ है इस कोड को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा उसको एक्सेस मिल जाए ठीक है। मेरी अगर आप कहते हैं कि लाहौर की ब्रांच है तो उसको मैंने एक टेम्पलेट बना के अपने पास रख लिया जो आपको 10 जगह जाकर क्लिक करने पड़ते थे वो 10 जगह क्लिक करने के बजाय एक कोड को डिप्लाई करेंगे उसको बेशक आप पावर शेल पे कर लो ठीक है। वैसे तो पावर शेल पे जैसन ही रन ठीक है जैसन का डिफरेंट फॉर्मेट है ठीक है क्योंकि टोटली जावा बेस आती है ऑथेंटिकेशन ठीक है तो उसके थ्रू आउट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं टूल्स में पाइथन के टूल्स हैं जंकिंस का टूल्स हैं टेराफॉर्म के टूल्स हैं ये टूल्स आप चूज करते हैं और ये टूल्स फुली सपोर्टेड है हर प्रोडक्ट के साथ वीएमएल के साथ भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी ठीक है क्योंकि इंडस्ट्री में जितने भी स्टैंडर्ड्स जितने भी वेंडर्स बैठे हैं सबके लिए सेम फॉर्मेट है कोई डिफरेंट फॉर्मेट नहीं। सर आपने एक बात की थी भी कि आर्ट होस्ट के ऊपर एजुएन कॉन्फिगर करते हैं तो हम जैसे के थ्रू एक पैच की तरह बनाकर उसको सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सर वो किस स्क्रिप्ट है ना मतलब सिंपल सा ही देखें अब जैसा ना मैं कहेंगे मैं कभी दिखा दूंगा जैसन की शक्ल होती कैसे ठीक है जिस तरह मैंने अमेजोन ओपन कर दूंगा उसमें जैसन को पूरे दिखाऊंगा फॉर्मेट उसमें अगर एक मैंने लिखा होगा कि मैंने दो मेरी अगर कंट्रीज हैं उस कंट्रीज में डिफरेंट डाटा सेंटर्स पे मैंने अगर 16 सर्वर पे 10 सर्वर डिप्लॉय करने ये सिंपल मैं कहूँगा मैंने वो 10 टेराबाइट की स्टोरेज डिप्लॉय करनी है दो जगह पे मैंने उसकी डिप्लॉयमेंट करनी है पहले तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट टास्क है पहले मैं उस फॉर्मेट को क्रिएट करूँगा
ठीक है, अब फॉर्मेट क्रिएट करने के बाद एक फॉर्मेट मैंने बना लिया, अब नेक्स्ट टाइम उसमें सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, नेक्स्ट टाइम उसमें सिर्फ आप लोकेशन के टाइम में जाके उसकी लोकेशन को वहां से हटाएंगे, लोकेशन नेम ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर कंपनी नेम अगर डिफरेंट चल रहा है उसका नेम वहां से हटाएंगे, नेम लगा देंगे, टाइम ओवर कितना बचेगा, समझ रही चीज की। ये इन हाउस डिप्लॉयमेंट में इसके लिए कोई इलाज से इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जैसे वी स्फीयर होता था हमारे पास या अभी वेब एक्सेस है तो हम उससे जीयूआई को, इसके लिए क्या सिंपली वो ब्राउजर ओपन करेंगे और कुछ है इस तरह, इसके लिए मैंने कहा ना इसके लिए टूल्स है डिफरेंट ना, ठीक टूल लिखना तो लिख लें, ये जंकिंग टूल है, ठीक है जंकिंग, लेकिन इस पे आपको पाइथन की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना, पाइथन या जैसन दोनों की एक्सपर्टीज है, जैसन पे इतना मुश्किल नहीं है, इसके मैंने टूल आपको दिखाऊं ना, ठीक है उसमें वन टाइम अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पूरी तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमने बैठ के, यहाँ पे कौन से ब्रैकेट्स वगैरह आगे ऐड करने, बस वही पे अपनी इन हाउस का एक टेम्पलेट आपका बन जाए, ठीक है, उसके ऊपर उसके जो है स्कीमा लिखा होता है, उसके पैरामीटर लिखे होते हैं, बस वो चीजें आगे सिर्फ आप स्टोरेज बता देते हैं, नाम मेरी ये स्टोरेज का नेम है, ये मेरा ESXi का नेम, बस इतना सा काम उसका, ठीक है, ये दोनों पे एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो ये टूल आपकी हेल्प करते हैं कि जहां पे भी आप इसको डिप्लॉय करवाना विद दी हेल्प ऑफ, उसमें वो कोड पुट करेंगे टेम्पलेट का और वो डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, इस चीजों पे एक्सपर्टीज जरूरी है, क्यों जरूरी है, खुदा ना चाहे किसी के जॉब शॉप में कोई इश्यूज हो, ठीक है, तो इन फ्यूचर में बहुत अपने आप को स्कोर करना चाहते हैं तो इन चीजों पर थोड़ा सा हैंड ऑफ जरूर रखें, क्योंकि फ्यूचर में 2022 तक अगर ठीक है, क्योंकि ये एक्सपर्टीज अगर करेंगे आगे चल के सर्वाइव कर पाएंगे, वरना आज आप जॉब करते हैं 10-15-20 साल रिटायरमेंट होने के बाद में कहते हैं कि जी मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, ठीक है, तो वो जो मैं जिस फील्ड में था वही उस फील्ड में जाएगी, नहीं आप 2-3 साल बाद इंटरेस्ट, इस वक्त अभी की कंडीशन में बताऊं तो मार्केट टोटल ही चेंज है, वो सॉफ्टवेयर नेटवर्क तो बात करते ही नहीं, वो तो सीधी सीधी बात करते हैं डेवऑप्स में काम आता है, ठीक है, एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, वो कहते जी यूएसए के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी हमारे 10,000 सर्वर्स हैं, ठीक है, 10,000 सर्वर्स हैं, सर्वर्स को आपने 3 डिफरेंट कंट्रीज में माइग्रेट करना है, इन हाउस हमारे पास वीएमवेयर चल रहा है और हमारे पास सिट्रिक्स चल रहा है, वीएमवेयर से मशीनें उठा के आपने अमेजोन पे फेंकनी है और आधी मशीनें एज्यूर पे फेंकनी है, ठीक है, ये काम और थ्रू इन टूल्स के यही टूल्स यूज हो रहे थे और बाकी कुछ उनका अपने फॉर्मेट्स, अब फिजिकल वाला काम नहीं करना जाके, नहीं नहीं वो कहानी खत्म, कुछ क्लियर हुआ रेस्ट का, यानी कि हम अपनी नौकरी जम के करें निकले गए तो सारे ले जाएंगे, अभी से बात ना करो लाउड क्लाउड लाउड क्लाउड मतलब अपना रूल है यार, वैसे जनरल समाज है नौकरी ठीक है इंसान कर रहा होता है लेकिन आईटी पर्सन को ना थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, अगर अपडेट नहीं रखते तो फिर तो वो कहते हैं कि बड़े एक जो है ना बड़े सेफ साढ़े और चल रहे होते हैं, खुदा ना समय इधर से इधर होते क्या, ठीक है ना, तो ये पोजीशन होती है, ठीक है, अगर तो आप बचा के रखते हैं अपने आप को, नहीं यार इधर भी उधर खैर है मैं सेफ हूँ तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अपडेट रहेंगे तो इंसान बच पाता बस, ठीक है, क्योंकि नौकरी में लड़ाई करना दुनिया की मैं तो बेवकूफ तरीन इंसान होते नौकरी में लड़ाई, क्योंकि नौकरी आज अगर घर नहीं है, ठीक है, इससे कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके लिए अनसिक्योर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो तो बिल्कुल दिमाग का जंग लग चुका होता है, उसे तो कोई वैसे ही मंगानी है तो 10 जगह आपको क्यूरी करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, उसकी पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, ये इसलिए मंगानी है,
इतने इश्यूज हैं उनके एक्सचेंज सर्वर में, उनको बिल्डिंग का कार्य का था कि जी सर इसकी अप्रूवल दे दें, छः महीने बाद करें, साल बाद बात करें, अभी नहीं दो घंटे तीन घंटे चलाते थे पूरे वीक में क्योंकि उनके अपने बिजनेस चल रहे होते हैं वो आते हैं तकरीबन 9 से लेकर 5 का नहीं करते थे तो ये हार्ड ही होता था कि वो आता था 10 बजे 10:30 होता था तो ये हार्ड ही होता था कि वो आता था 10 बजे 10:30 उठना भी छेड़ सकता। क्यों कहते नहीं हमारे अपने 10 ही बिजनेस चल रहे हैं, ये तो जॉब है वैसे ही 5 महीने बाद तनखा ट्रांसफर होती है उनको चाहिए। और आने उनकी नॉलेज की ये पोजीशन थी, खुद सोचेंगे मैनेजर उसकी सैलरी थी 60,000 दिरहम, ठीक है मुझे बता के कितने कहता रही ये जो यूजर का सिस्टम अनलॉक हो गया था ना, लॉक हो गया था, इसको अनलॉक कैसे करता है। मैंने एंट्रोडक्टरी ओपन की, मैंने सर ये मैंने क्यों कहता नहीं वापस कहता मेरे हस्बैंड कहता उसने को 10 उसको बन गई उसको खोदा कहता ठहरा मैं सीख लूंगा फिर ना मैं बोल उन्होंने एक घंटा बड़ा करेगा उसने उसको 10 वास्ते लॉक किया फिर अनलॉक किया कहता हाँ अब मैं सीख लिया मैंने। अच्छा जी आगे चलें, तो इस तरह का हमारा भी सामना करना पड़ता है हमें गवर्नमेंट सेक्टर में, इसीलिए ये कैसे किया इधर खैर कर दोबारा करो और अगले दिन फिर दोबारा बताना अगले दिन फिर बताना उसकी क्या हालत है। फिर कुछ दिन गुजरे तो यूजर कॉल हो गया उसको की कॉल आई पता नहीं वो फिर मैं बोल गया मैंने सर बोल गया पूरे दिन रहने दें ये मैं ही कर लेता छोड़ दे। अच्छा जी सेकंड तो है सोप, रेस्ट जो है इसमें 5 मिनट ऑफ रिफाइंस में और इसमें एचटीएमएल आ जाता है ठीक है और इसके अंदर जो है एक्सएमएल। इंडस्ट्री में सो कम यूज होता है, रेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, उसका फायदा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है रेस्ट ठीक है, सो जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है ठीक है, और उसके फीचर सेट में सिर्फ दो ही एचटीएमएल और एक्सएमएल। तो दोनों को यूज करता है ठीक है, SOAP जो है सिंपल HTML ठीक है, HTTP आप लगा दें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ओनली, यानी HTTPS इसमें सपोर्ट नहीं है, नहीं इसमें सपोर्ट नहीं है उसमें है REST में है, इसलिए ज़्यादातर एप्लीकेशन की यूजेज जो मैंने कहा टेम्पलेट की वो REST के बेस पे ही होती है, SOAP के बेस पे नहीं होती है, SOAP बहुत कम आपको समझ में आएगा, ज़्यादातर आप REST पे ही समझ रहे होते हैं। ये आम सर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं? उसमें ठीक है, लेकिन बाकी उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड है और उसके स्टैंडर्ड्स भी इस तरह के हैं, अगर बैंक आपस में दो बैंक आपस में उनके ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं तो जो एक स्टैंडर्ड यूज़ करता है वही दूसरा स्टैंडर्ड यूज़ करेगा, अगर दोनों ने डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ किया तो उनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि B2B कम्युनिकेशन में दोनों का सेम स्टैंडर्ड होना जरूरी है ठीक है, B2B कम्युनिकेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब अगर आप डिफरेंट स्टैंडर्ड में चले जाते ठीक है। फेडरेशन में जब पढ़ेंगे फेडरेशन है सारी थ्योरी है लेकिन उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं जो ट्रिकी हैं ठीक है, उससे इनका बहुत ज़्यादा आपको एक IT पर्सन हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इन चीज़ों का हो जाता है कि बैंक किन चीज़ों को यूज़ करता है, सोशल मीडिया किन चीज़ों को आजकल यूज़ करती है, कौन से वो प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है ठीक है, जो मैंने बात की थी OTP की बात करें या मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बताया था ठीक है, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन है या SSO है, SSO ऑथेंटिकेशन है, ये सारी चीज़ें अब SSO आप यूज़ करते हैं इसमें V-Center में, V-Center जब फर्स्ट टाइम आप प्रोवाइड करें तो SSO ऑथेंटिकेशन बदलता है,
ठीक है, एसएसओ से अथेंटिकेट करवाने के बाद फिर आप डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होते हैं। पहले एसएसओ से करवाते हैं ना, उनके वी सेंटर जब आप डिप्लॉय करते हैं तो वी सेंटर आपसे दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन पूछता है, एक प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोल पूछता है और एक एम्बेडेड प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोल आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एसएसओ बिल्ट इन है उसका। एसएसओ क्या है? एसएसओ भी वही चीज है, सिंगल साइन ऑन, वो भी एक अथेंटिक, सिंपल सी बात है कि एक घर था उसमें एक गेट से आप अंदर एंटर होते हैं, अब उन्होंने उसके आगे एक और गेट इंप्लीमेंट कर दिया, पहले आप उससे अथेंटिकेट होंगे, वहां पर आप पूरी क्यूरी देंगे किसके लिए आए हैं, फिर अंदर दूसरे गेट क्रॉस करेंगे। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि एंट्रोडक्टरी पे हमने एक यूजर बनाते थे, उससे अथेंटिकेट हो जाते थे, अब उन्होंने आगे उसके एंट्रोडक्टरी के आगे एक और लेयर क्रिएट कर दी है जिसको फेडरेशन सर्वर बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा मजीद सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो डिपेंड अपॉन यू कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट आपको एक मजीद फंड करेगा थ्रू फेडरेशन, उसमें ज्यादातर ऑथेंटिकेशन किसकी है कि यूजर ऑथेंटिकेशन उसमें ज्यादा है, कि यूजर नॉर्मल अगर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बैठा हो, ठीक है, तो वो यूजर ने पासवर्ड के अलावा भी उसकी ऑथेंटिकेशन दी है, ठीक है। एसएसओ तो एक सिंपल आ जाता है, लेकिन अगर एमएफए ओटीपी की बात करेंगे तो उसमें उसको अपने जो है क्रेडेंशियल्स अदर देन भी देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा, ठीक है। फेडरेशन वैसे तो जो है यूजर की प्रॉपर्टी को चेक करता है कि यूजर की प्रॉपर्टी, यूजर किस ग्रुप में ऐड है, किस ओजू में ऐड है, ठीक है, उसका एसएसआईडी क्या है, वो सारी चीज फेडरेशन चेक करता है। चले जो है कुछ क्लियर हो गई चीज, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए आपके विजुअलाइजेशन ट्रैक के अंदर जो ट्रैक जो कोर्स में वो है हाइपरव्यू, ठीक है। जितना तो हाइपरव्यू इसके अंदर है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।